इंडिया में पावर शेयरिंग हो रहा है ना, तो बताओगे ना कि कैसे हो रहा है? हाउ कैन यू से दैट पावर शेयरिंग इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ एक बार मैं फिर तुमको रिपीट करूँगा कि डेमोक्रेसी को हम लोग जानते हैं, और हम लोग किसको जानते हैं, बोलो, किसको जानते हैं? पावर शेयरिंग। तो डेमोक्रेसी में यदि हमने प्लस कर दिया क्या, पावर शेयरिंग, मेनली यहां किस तरह के पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर शेयर करना मेन है। हमने पहले यह भी देख लिया है कि समाज में जो डिफरेंट क्लास है, जो डिफरेंट वर्ग है, उसके बीच पावर शेयरिंग होना, ठीक है ना। और यहां क्या देख रहे हैं कि टू लेवल गवर्नमेंट बनाइए, और एक जो गवर्नमेंट होगा वो ऑल इंडिया पूरे नेशन का होगा, और दूसरा जो गवर्नमेंट होगा वो प्रोविंशियल लेवल पर डिफरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका मतलब क्या है, सरकार दो स्तर पर बन गई। तो क्या सिर्फ दो स्तर पर सरकार बना देना फेडरल सिस्टम के लिए काफ़ी है? नहीं काफ़ी है। काउजिज जो लिखा आपने वो अच्छा था, फिर भी मैं आपको बताऊं कि देखो फेडरल क्या कह रहे हैं, फेडरल सिस्टम, और फेडरल सिस्टम के अपोजिट भी हमने देखा सिस्टम, अपडेट रहो तुरंत पूछूंगा, फेडरल सिस्टम के अपोजिट भी हमने देखा, क्या देखा, यूनिटरी सिस्टम, क्या देखा, यूनिटरी सिस्टम। और इसके साथ ही एक टर्म हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी, क्या देखा, डेमोक्रेसी प्लस क्या देखा, पावर शेयरिंग, क्या देखा, पावर शेयरिंग। अब आप चीजों को स्पष्ट रूप से समझिए, फेडरल सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि यहां ड्यूअल गवर्नमेंट है, है ना, दोहरी सरकार है, पूरे राष्ट्र की एक सरकार है जो सिर्फ उन मुद्दों को, इशूज को कंट्रोल करती है जिसका संबंध पूरे इंडिया से है। अब जैसे डिफेंस का मामला है, विदेशी आक्रमण से भारत को बचाने का मामला है, तो ये मामला राज्यों के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर राज्य अलग अलग व्यवस्था थोड़ी करेगी देश को बचाने का। ये व्यवस्था, ये काम दे देना चाहिए किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, करेंसी पूरे देश का मुद्रा एक होगा, तो जो कॉमन इशू है पूरे देश का वो रहेगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जो लोकल इशूज हैं जिसमें डिफरेंशिएशन है, जिसमें अंतर होता है, उधर का रिक्वायरमेंट कुछ है और हमारा रिक्वायरमेंट कुछ है, तो भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, समाज में डिफरेंट वर्ग होगा, इस डिफरेंट वर्ग को अपने आधार पर शासन करने का अधिकार देना, यही कहलाता है क्या, सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसको आप कहते हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर है। तो ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब आप साफ जानते हैं कि एक क्या हुआ, सेंट्रल, और दूसरा क्या हुआ, स्टेट। तो दो लेवल पर यदि हम सरकार बनाते हैं तो हम क्या हो गए, फेडरल सिस्टम हो गए। और अगर हमने पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही सरकार बनाई, और वो कौन सी सरकार बनाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरे भारत की सरकार बनाई, और उसी सरकार के पास सारा अधिकार है, ए टू जेड अफेयर वही कंट्रोल करती है, तो यहां क्या हो गया, यूनिटरी हो गया, क्या हो गया, यूनिटरी हो गया। जैसे इंग्लैंड की बात करो तो इंग्लैंड क्या है, यूनिटरी है, इंग्लैंड में एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है और सारे मेजर डिसीजंस वही सरकार लेती है, क्लियर है ना। तो इंडिया में क्या है, डबल गवर्नमेंट, अमेरिका में क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में क्या है, डबल गवर्नमेंट, जबकि ब्रिटेन में क्या है, यूनिटरी, फ्रांस में क्या है, यूनिटरी, ध्यान रखोगे, मतलब वहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर प्रोविंशियल लेवल पर गवर्नमेंट है भी तो उसको गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, एक अरेंजमेंट है जिसको डिक्टेट करती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहे वही करो,
तो आप तो उसका डिपार्टमेंट बन के रह गए ना, आप तो इंडिपेंडेंट नहीं। हमारे यहाँ बिहार सरकार क्या है, पश्चिम बंगाल की सरकार क्या है, इसको जनता ने चुना है और ये उतनी ही स्वतंत्रता से काम करेगी जितनी स्वतंत्रता से सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। इसमें नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको डिक्टेट करेगी, कुछ जरूरी मामलों में कर भी सकती है। तो बात समझ रहे हो, टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जहां रहेंगे वो क्या कहलाएगा, फेडरल सिस्टम, और जहां एक ही सरकार होगी पूरे देश की उसको क्या कहेंगे, यूनिटरी सिस्टम। क्या कहेंगे? तो ये कैसा हो गया सर बताइए, सिंगल गवर्नमेंट कैसा हो गया, नो प्रॉब्लम। अब हमने कहा कि डेमोक्रेसी जो है उसमें यदि हमने डबल गवर्नमेंट बना दिया, क्या किया, दोहरी सरकार बनाई है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फेडरल सिस्टम बराबर क्या हो गया, डेमोक्रेसी प्लस पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी प्लस पावर शेयरिंग का मतलब यहां क्या है कि हम गवर्नमेंट दो लेवल पर बना रहे हैं और दोनों गवर्नमेंट के बीच पावर को शेयर कर रहे हैं। इसी सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, फेडरल सिस्टम। इसके अलावे यदि हमारे पास पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की एक ही सरकार होती और उसी सरकार के द्वारा सारे निर्णय लिए जाते तब उसको हम क्या कहते, यूनिटरी गवर्नमेंट। आप एग्जांपल भी क्लियर है, ड्यूअल गवर्नमेंट में, फेडरल सिस्टम में मॉडल के रूप में ले सकते हैं कनाडा, इंडिया, क्लियर है ना, USA, और यूनिटरी में किसको कह सकते हैं, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। तो हमने ये समझा कि दरअसल ये जो फेडरल सिस्टम है ना, डबल गवर्नमेंट क्रिएट करने का जो मैकेनिज्म है उसके पीछे एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य वो है कि किसी भी देश के पॉपुलेशन में जो डिफरेंट क्लास है उस डिफरेंट क्लास को अपने हिसाब से आगे बढ़ने का मौका मिले, उनको अपने कल्चरल आस्पेक्ट के साथ, अपने लैंग्वेज के साथ, अपने परसेप्शंस के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले और उन पर कोई दूसरी चीज थोपी न जाए। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक देश के एरियाज को, पॉपुलेशन को डिफरेंट सेगमेंट में बांट देते हैं। जैसे क्या किया, इंडिया में हमने एक इंडियन गवर्नमेंट बनाई और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, का मतलब यहाँ क्या है कि हमने बाकी इंडिया को 28 में और 8 टोटल 36 भाग में हमने इंडिया को बांट दिया है और यहाँ भी सरकारें बनवाई है। तो ये सरकार कैसी है, सेकेंड लेवल, ये गवर्नमेंट है, ये पब्लिक इलेक्टेड है, कुछ मामलों में नहीं भी हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में दोनों तरह की व्यवस्था है, सेंट्रल टेरिटोरीज में कुछ में चुनी हुई विधानसभा है, कुछ में विधानसभा नहीं है, लेकिन ये 28 में तो फुल फ्लेज विधानसभाएं हैं, पब्लिक इलेक्टेड मेंबर्स हैं और इनका पावर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्लियर कर दिया है। तो इंडिया में कितने गवर्नमेंट हैं, 37, कितने हैं, 36 किसे हैं, स्टेट लेवल हैं, सेकेंड लेवल के हैं, और एक क्या है, ऑल इंडिया का है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे काम करती तब इंडिया क्या कहलाता, यूनिटरी गवर्नमेंट। और अब ये 36 गवर्नमेंट भी बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं, बहुत सारा पावर चला गया बट के कहां, इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास। तो हमारा यहां क्या हो गया, पावर शेयरिंग हो गया, पावर बट गया किसमें, सेंट्रल में और स्टेट में। तो इसी पावर शेयरिंग को जब डेमोक्रेसी क्या करता है, एडॉप्ट कर लेता है, कंटेन कर लेता है, धारण कर लेता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम। क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम। अब हम लोग सीधे बात करेंगे कि क्या इंडिया वाकई फेडरल सिस्टम वाला देश है, तो हमें यह जानना पड़ेगा कि विद्वानों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने फेडरल सिस्टम के, किसके, फेडरल सिस्टम के मेजर फीचर जो बताए हैं उसमें पहला बताया है क्या, ड्यूअल गवर्नमेंट। अब यह तो साफ दिख रहा है कि इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट है और रियल सेंस में है, रियल सेंस में है, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रैक्टिस में डे बाय डे अपने लाइफ में कि जो भारत की केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो राज्य सरकार को डिक्टेट नहीं करती है, राज्य सरकार उनके अधीन काम नहीं करती है, राज्य सरकारें स्वतंत्रता पूर्वक अपने निर्णय लेती है और उसको लागू करती है। तो ये यहां हम देख रहे हैं कि ड्यूअल गवर्नमेंट रियल सेंस में इंडिया में है,
देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो? इंडिया में रियल सेंस में ड्यूअल गवर्नमेंट है, क्योंकि दोनों स्तर की हमारी सरकारें क्या है, इंडिपेंडेंट नेचर की हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से वो क्रिएट होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से उनका इंड होता है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार बनाती है और केंद्र सरकार खत्म कर देती है, ऐसा नहीं होता है। तो यहां दोनों सरकारें हैं और दोनों अपने क्या हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की हैं। दूसरा फीचर क्या देखा? तो यहां इंडिया क्वालिफाई कर गया कि इंडिया क्या है, फेडरल सिस्टम है। दूसरा चीज क्या देखा तुमने? डिवीजन ऑफ पावर। अब ये बताओ कि डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ पावर ये हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, आप दो लेवल की गवर्नमेंट जब क्रिएट करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनमें ज्यूरिडिक्शंस को लेके, अधिकार क्षेत्र को लेके क्या है, टकराव होगा। वो कहेंगे कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे मेरा अधिकार क्षेत्र है। तो ये विवाद नहीं हो और दोनों सरकार के बीच क्या है, बेहतर रिलेशन रहे, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो, दोनों एक दूसरे के खिलाफ ना हो, दोनों में संघर्ष नहीं हो, दोनों में बेहतर कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए क्या होता है कि फेडरल सिस्टम का मतलब ही है कि आपके संविधान में लिखित रूप में स्पष्ट रूप से शक्ति का विभाजन किया गया है, पावर को डिवाइड किया है, अफेयर को डिवाइड किया है, ज्यूरिडिक्शन को डिवाइड किया है, कार्य क्षेत्र को डिवाइड कर दिया है स्पष्ट रूप से। क्लियर है? तो ये हम इंडिया में चेकआउट कर लें। अब भारत के संविधान में जब हम तुमको पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं कि देखो हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है। क्या है? 12 शेड्यूल है। कितना है? 12 शेड्यूल है और 22 पार्ट्स हैं। क्या है मतलब? भारत का संविधान आप कह सकते हो कि 34 पार्ट में बटा हुआ है, 12 शेड्यूल है और 22 लेसन्स हैं। 22 समझ लो कि जियोग्राफी का किताब है तो 22 लेसन है और ये 12 क्या है, मैप वाला है, एनेक्सर है अलग से। हमारे संविधान में दो तरह की बात है, एक को क्या कहते हो आप, पार्ट्स कहते हो, जिसमें क्या था कि 396 क्या थे, आर्टिकल, ये कहां है, 22 पार्ट्स में, और इसके अलावे कुछ स्पेशल कानून हैं जिनको हम शेड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेड्यूल कहते हैं। यहां मैं तुमसे बात करूंगा 7th शेड्यूल की। किसकी बात कर रहा हूं? 7th शेड्यूल की। और ये 7th शेड्यूल क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ पावर। ये तीन लिस्ट बनाता है, एक को कहता है सेंटर, एक को कहता है स्टेट और एक को कहता है कॉन्करेंट, और हम एक चौथा भी रखेंगे डेसीडियोरी। क्या? डेसीडियोरी पावर। अब समझो ये क्या हुआ कि हमारे संविधान के नेक्स्ट 7 में ये क्लियरली बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर क्या है, वो लिख दिया किसमें, सेंट्रल लिस्ट में। फिर एक दूसरा लिस्ट बनाया, उसमें स्टेट लिस्ट उसको नाम दिया और इसमें लिख दिया कि राज्य सरकार का पावर क्या होगा। क्लियर है? और एक तीसरा लिस्ट भी बनाया, इसमें कहा कि मिलजुल के दोनों काम करना, इसमें दोनों काम करोगे। और एक चौथा ग्रुप भी हम लोग क्रिएट करके समझेंगे बात को, वो डेसिडियरी पावर का मतलब है कि जिसका वर्णन तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं है। जैसे समझो कि 1950 में जब हमारा संविधान बना था तो उस समय आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल, सोशल मीडिया का उतना प्रचलन बिल्कुल नहीं था। अब इससे रिलेटेड जो क्राइम है या इससे रिलेटेड जो मैटर है वो उस समय तो किसी में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उस समय आईटी जैसी कोई बात थी ही नहीं। क्लियर है ना? तो बाद में ही मैटर आ गया तो कहां आएगा, डेसिडियरी। क्या है? जो मैटर कहीं भी संविधान में लिखा हुआ नहीं है, जो मैटर आइडेंटिफाइड था उस समय, उसको हमने तीन ग्रुप में बांट दिया है, या तो उसको सेंटर में रखा है, या तो उसको स्टेट में रखा है, या तो उसको कॉन्करेंट में रखा है। जैसे आप एग्जांपल से समझोगे, एग्जांपल से मैं कह रहा हूं कि जैसे यहां रखा डिफेंस, क्या रखा, ध्यान से समझो, इसको क्या कहा, डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या हुआ, देश के सीमा की रक्षा।
डिफेंस का मतलब क्या हुआ? देश के सीमा की रक्षा, बाहरी दुश्मनों से देश की रक्षा। ये क्या होगा? ये क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम होना चाहिए और ये सेंट्रल लिस्ट का विषय है। दूसरा हमने कहा सिक्योरिटी। क्या कहा? सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? जान माल की रक्षा, संपत्ति की रक्षा, चोरों से सुरक्षा, अपराधियों से सुरक्षा, ये कहलाता है सिक्योरिटी। और ये सिक्योरिटी किसको दिया? स्टेट को। अपने अपने राज्य में अपने नागरिक की आप रक्षा करिए, ये आपका जवाबदेही है। तो इसी को आप कह सकते हो दूसरे शब्दों में क्या? आर्मी। इसको कह सकते हो क्या? पुलिस। तो ये पुलिस नाम की जो शक्ति है, पावर है, इसको ऑपरेट करता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। और ये आर्मी डिफेंस नाम की जो अफेयर है, उसको कंट्रोल करता कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। नो प्रॉब्लम। उसी तरह से आप देख सकते हो कि सेंटर में ये बताओ मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, आप बंगला हैं कि पंजाबी हैं, आप केरलाइट्स हैं कि गुजराती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका करेंसी एक हो सकता है, सब एक ही बैंकिंग सिस्टम में काम कर सकते हैं। तो इसको भी कहां रखा? सेंट्रल लिस्ट में। कहां रखा? सेंट्रल लिस्ट में। तीसरा देखोगे कम्युनिकेशन। किसकी बात किया? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब संचार। संचार का मतलब मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, अखबार, कंप्यूटर। इसका अलग अलग रूप नहीं ना है कि बिहार को अलग तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए या बंगाल को अलग तरह का चाहिए, नहीं ना। तो ये कॉमन इशू है, इसको भी हमने कहां रखा? सेंट्रल लिस्ट में। समझ रहे हो ना? सेंट्रल लिस्ट में कैसे विषय हैं? जिस विषय का संबंध संपूर्ण राष्ट्र से, पूरे इंडिया से है, वो हमने कहां रखा? सेंटर में। आज जो विषय अलग अलग हो सकता है, जो एक क्षेत्र में अलग तरह की प्रायोरिटी के साथ सामने आता है, दूसरे क्षेत्र में अलग तरह की प्रायोरिटी के साथ आता है, उसको हमने कहां रखा? स्टेट में। अब स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट इशू देखें तो क्या कह सकते हैं कि स्टेट में सबसे पहले क्या है? लैंड। क्या है? लैंड। जमीन पर नियंत्रण किसका है? राज्य सरकार का। किसका है? राज्य सरकार का। उसी तरह से ट्रेड। क्या है? ट्रेड। ट्रेड मतलब स्टेट के अंदर वस्तु का, सेवा का जो आदान प्रदान होगा ना, उस पर नियंत्रण किसका होगा? किसका होगा? स्टेट का होगा। स्टेट के अंदर जो ट्रेड हो रहा है, हर स्टेट अपने ट्रेड को लेकर के क्या है, नियम बनाएंगे। तो ये ट्रेड है। इसके बाद कहा एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर। अब ये कहाँ है बताओ? एग्रीकल्चर किसका विषय होना चाहिए? स्टेट का होना चाहिए। तो ये स्टेट के पास है। तो स्टेट के पास मेन विषय तुमको क्या मिला? पुलिस मिला, सिक्योरिटी मिला, एक बड़ा विषय इनका आप जोड़ लो क्या? लॉ एंड ऑर्डर। क्या? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ बाबू? लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? विधि व्यवस्था, शांति बनाए रखना, ये किसका काम है? स्टेट का। आर्मी नहीं आती है पटना को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। उसके लिए हमारे गलियों में, हमारे चौक पर, हमारे चौराहों पर, थानों में कौन बैठी है? पुलिस बैठी है। क्लियर है ना? तो अब तो ये चीज तुमको समझ में आ रहा होगा क्या कि इंडिया में पावर शेयरिंग के दो गुण हमने देख लिए। कौन कौन देख लिया? कि डबल गवर्नमेंट है, रियल सेंस में डबल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इक्वल स्टेटस में काम करते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट नेचर के हैं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है या सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिक्टेट करती है, ऐसी बात नहीं है। तो रियल सेंस में हमारे यहाँ क्या है? डबल गवर्नमेंट है ना? है ना? और डिवीजन ऑफ पावर भी देख लिया। कहाँ देखा? संविधान में है। संविधान में ही लिखा है, स्पेशल कानून वाला जो लेसन है, शेड्यूल है, उस शेड्यूल में 7 नंबर शेड्यूल में क्या लिखा है कि पावर को 3 भाग में बांट दिया है। बोलते जाओगे कौन कौन बांटा है, कौन कौन लिस्ट में बांटा है? सेंट्रल लिस्ट में बांटा है। और किस लिस्ट में बांटा है? स्टेट लिस्ट में बांटा है। और कौन सा लिस्ट है? कंकरेंट लिस्ट है। और कौन सा लिस्ट है? डेसिड्यूरी है। तो ये डेसिड्यूरी में कौन सा है? नॉन रिकॉग्नाइज्ड। अरे जो पता नहीं है लेकिन आगे वो कोई मुद्दा बन के आ जाए,
जैसे आतंकवाद 50-60 में मुद्दा नहीं था, लेकिन आतंकवाद आज एक मुद्दा है, तो पता चला कि आतंकवाद तो न इसमें लिखा है, न इसमें लिखा है, न इसमें लिखा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि हमारा मुद्दा नहीं है, राज्य सरकार भी कहेगा कि हमारा मुद्दा नहीं है, और आतंकवादी देश की जनता को मारते जाएं, तबाह करते जाएं, तो कहा कि डेसिडियरी सब्जेक्ट किसका है, सेंटर का, मतलब कोई नया विषय आ जाएगा तो उसको हैंडल करना किसका जवाबदेही है, सेंटर का। अब बाकी जो विषय अभी पता है उसको हम बांट रहे हैं, और उसको बांट दिया, सेंट्रल लिस्ट में लिखा, किसको लिखा बोलो, डिफेंस का, और क्या है यहाँ, मनी, क्या है मनी, और क्या है बैंक, और क्या है कम्युनिकेशन, और क्या है कम्युनिकेशन, और इनका सबसे बड़ा पावर देखो क्या है, फॉरेन अफेयर, बाबू फॉरेन, अभी मोदी जी अमेरिका में क्या कर रहे हैं, भारत की दोस्ती बढ़ा रहे हैं, कभी चीन के साथ दुश्मनी बढ़ाते हैं, तो किसी देश के साथ संधि करना, किस देश के साथ व्यापार करना है नहीं करना है, किससे दुश्मनी करना है, किससे दोस्ती करना है, ये विदेशी मामले किसके पास हैं, सेंटर के पास। स्टेट के पास क्या है बाबू, लैंड, एग्रीकल्चर, ट्रेड, पुलिस, सिक्योरिटी, जेल, ये सब किसके पास है, हम कल बदमाशी करते पकड़े जाएंगे तो हमको पकड़ के जेल में डालने का काम कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लॉ एंड ऑर्डर किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का, क्लियर है ना। अब कॉन्कोरेंट में तुम अंदाजा लगा सकते हो ना कि कौन विषय है, इसमें चार मेजर विषय, अच्छा उसकी चर्चा बाद में करूंगा, पहले ये समझ लो कि हेल्थ, देखो क्या मतलब हुआ हेल्थ, और क्या कहा एडुकेशन, और क्या कहा एनवायरमेंट, पर्यावरण, पर्यावरण ये किसका विषय होना चाहिए, दोनों का इसमें आके काम करना चाहिए, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा काम है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाह के नहीं कर सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी चाह के बहुत बड़े स्तर पर यहां निवेश की जरूरत है, हेल्थ में, एजुकेशन में, एनवायरमेंट को कंट्रोल करने में, मेंटेन करने में, रिसोर्स को रिवाइव करने में, रिसोर्स डिप्लेशन को रोकने में, ये सब काम कहां है, कंकरेंट में, कहां है कंकरेंट में, कैसे हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, और क्या है एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, ये सबको कहां रखा है कंकरेंट में, और एक चौथा ग्रुप भी आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्या है डेसिड्यूरी, मतलब जो सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज नहीं है, जो भविष्य में सब्जेक्ट हमारे सामने आएगा उन सब्जेक्ट पर अधिकार किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो दूसरा फीचर तुमको क्लियर हो गया ना, क्या क्लियर हो गया कि भारत में डिवीजन ऑफ पावर है, भारत में डिवीजन ऑफ पावर है, और ये डिवीजन ऑफ पावर क्या है, फेडरल सिस्टम का फीचर है, फेडरल सिस्टम का फीचर है। उसके बाद कहा सी, तीसरा फीचर क्या था, डिवीजन ऑफ रिवेन्यू, डिवीजन ऑफ रिवेन्यू मतलब क्या कहा, इनकम, क्या कहा, इनकम का भी डिवीजन है, इनकम का डिवीजन कहाँ है, तो उसको दो रूपों में आप देख सकते हो, अभी देखो जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, फिनेंस कमीशन, फिनेंस कमीशन, डिवीजन ऑफ रिवेन्यू में स्टेट गवर्नमेंट को इनकम का स्रोत क्या होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम का स्रोत क्या होगा, इसको हमने स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया है, कहां, संविधान में ही, संविधान में एक प्रोविजन है किसका, फाइनेंस कमीशन का, वित्त आयोग का, और ये वित्त आयोग हर 5 साल पर गठित होता है, और ये वित्त आयोग तय करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से राज्यों को मदद करेगी, किस राज्य को कितना धन देगी, क्लियर है ना। यहां जीएसटी काउंसिल में देख रहे हो कि मेन इनकम तो टैक्स है, मेन इनकम क्या है,
टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना चाहती है। टैक्स का हमने एक डिवीजन कर दिया है, उसका एक ट्रैक बना दिया है, और आपने देखा कि अभी व्यापक स्तर पर संविधान में संशोधन करके और हमने 2018 में क्या किया, जीएसटी काउंसिल का गठन किया, और जीएसटी काउंसिल में ये डिसीजन लिया जाता है कि टैक्स का कलेक्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी लेकिन उसका एक निश्चित हिस्सा राज्य को दिया जाएगा, और वो जीएसटी काउंसिल तय करता है। कौन तय करता है? तो अब देख रहे हो कि जीएसटी काउंसिल का प्रोविजन आया है। इससे पहले आप क्या देख रहे थे कि फिनेंस कमीशन ऑलरेडी हमारे यहां काम कर रहा है, हर 5 साल पर फिनेंस कमीशन बनता है, क्लियर है ना। अब ऐसे देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान में लाखों करोड़ रुपए लगाती है, तो ये जो लाखों करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है वो रुपया वो सिर्फ बिहार में लगा दे, सिर्फ पंजाब में लगा दे, बंगाल को कम दे, केरल को कम दे, ऐसा भेदभाव हो सकता है ना। इस भेदभाव को खत्म करना किसका काम है? फिनेंस कमीशन। फिनेंस कमीशन क्या कहता है कि ये स्टडी करता है सोशियो इकोनॉमिक बेस पर, सोशियो इकोनॉमिक बेस पर कि किस देश को किस राज्य को किस लेवल की जरूरत है ना। अब कोई ज्यादा संकट में है उसको ज्यादा मिलेगा, तुम थोड़े प्रॉस्पेरियस स्थिति में हो तुमको थोड़ा कम मिलेगा, अब भी उधर प्रॉब्लम आ गया है तो उधर थोड़ा ज्यादा देंगे ना, क्लियर है। तो यहां एक चीज है उसको आप समझोगे, ये है गाडगिल फार्मूला। क्या है? गाडगिल फार्मूला। और ये गाडगिल फार्मूला जो है वो 1969 में लागू हुआ। यहां भी आप देख रहे हो क्या कि ये गाडगिल फार्मूला क्या है? गाडगिल फार्मूला ये बता रहा है कि देश में जो धन है उसको राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें किस आधार पर आपस में शेयर करेंगे, और उसको शेयर करने के लिए एक फार्मूला आया। इसमें ये देखा गया कि देखो पहले होता क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना धन मनमाने तरीके से दे रही थी। उस मनमाने तरीके में ये था कि मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार है और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, अब बिहार में विरोधी दल की सरकार है, तो भेदभाव कर सकते हैं। उनकी अपनी पार्टी की जहां सरकार है वहां ज्यादा दे सकते हैं, और जहां उनकी सरकार नहीं है विरोधी दल की सरकार है वहां वो धन कम दे रहे हैं, ऐसी मनमानी वो कर रहे थे। तो ऐसी मनमानी को रोकने के लिए 1969 में क्या आया था? गाडगिल फार्मूला आया, और गाडगिल फार्मूला को फिनेंस कमीशन ने एक्सेप्ट किया। अब सुनो इस फार्मूला में क्या कहा, इस फार्मूला में ये कहा कि तीन राज्य, अब देखते ना अक्सर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार वो अक्सर इस बात का हंगामा करते हैं या डिमांड रखते रहते हैं राष्ट्र समाज के सामने कि हमको स्पेशल स्टेटस दो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, मांगते हैं ना। सुना है कभी? अच्छा नहीं भी सुना है तो मान ले कि मांगते हैं। ये क्यों मांगते हैं इसको देखो कि असम में कहां कहां, असम, नागालैंड, दूसरा क्या नाम लिया, नागालैंड, और तीसरा क्या कहा, जम्मू एंड कश्मीर। क्या कहा? तीन स्टेट का नाम याद रखो, कौन कौन, सीधा बैठो, असम, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, ये तीन को स्पेशल स्टेटस दे दिया। क्या कर दिया? स्पेशल स्टेटस दे दिया। किसने दे दिया? गाडगिल एक इकोनॉमिस्ट थे ना, ये 1960 के डिकेड में बहुत बेहतरीन भारत के क्या हैं, अर्थशास्त्री हैं, जो प्रधानमंत्री रेहणु को भी नियोजन के काम में सहयोग किए हैं, बाद में वो इंदिरा गांधी को भी सहयोग कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो गाडगिल कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, विद्वान थे, सरकार को नीति बनाने में मदद कर रहे थे। तो धन के वितरण का जो मामला हम देख रहे हैं कि फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि पावर का डिवीजन तो हुआ ही है, साथ साथ धन का भी डिवीजन होना चाहिए, क्योंकि अधिकतम संघर्ष इसी बात को लेके होता है, शक्ति को लेके और धन को लेके। तो शक्ति का तो विभाजन स्पष्ट हो गया ना। अब देख रहे हैं किसका, धन का विभाजन, कि धन में देखे कि वित्त कमीशन था फिर भी केंद्र सरकार मनमानी कर रही थी, उसको जिसको मन में आया ज्यादा दे दिया, जिसको मन में आया कम दे दिया। इससे क्या है, राज्यों के बीच क्या था, तनाव बढ़ रहा था, या केंद्र और राज्य के बीच तनाव बढ़ रहा था। जहां एंटी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, अब नीतीश बाबू अक्सर हमारे चीफ मिनिस्टर का बयान तुम सुनोगे तो क्या कहते हैं, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, मतलब बिहार में हम उनके विरोध करते हैं इसलिए हमको मदद
कम दे रहे हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों पर मोदी सरकार ज्यादा ध्यान देती है और हमारे राज्य पर कम ध्यान देती है। इस तरह का शिकायत था ना, ये आज भी है। तो इसको दूर करने के लिए क्या है? फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन तय करती है कि केंद्र सरकार को कितना मदद किस राज्य को देना है। यदि केंद्र सरकार ने इतनी राशि प्लान में लगानी है तो इस राशि का कितना हिस्सा पंजाब जाएगा, कितना हिस्सा बिहार जाएगा, कितना हिस्सा उड़ीसा जाएगा, ये केंद्र सरकार तय नहीं करेगी। ये कौन तय करेगा? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। कौन करेगा? अच्छा, वित्त आयोग एक फार्मूला के आधार पर तय करता है। वित्त आयोग एक फार्मूला के आधार पर ही तय करता है। उस फार्मूला को क्या कहते हैं? गाडगिल फार्मूला। गाडगिल फार्मूला में क्या कहा गया है बाबू? गाडगिल फार्मूला में यह कहा है कि देखिए, तीन स्टेट को तो उन्होंने स्पेशल स्टेटस दे दिया। किन तीन स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया बोलो? हां, असम, नागालैंड और जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे दिया और कहा कि इन तीनों को दे दो जितना मदद देना है। और इन तीनों को मदद देने के बाद जो धन केंद्र सरकार के पास बचा है योजना मद में प्लानिंग के लिए, उस धन का 60% बटेगा पॉपुलेशन के बेस पर। किस पर? पॉपुलेशन के बेस पर। और 25% डिस्ट्रीब्यूशन होगा पीसीआई पर कैपिटा इनकम के बेस पर। पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति इनकम को देख के 25% धन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है ना? और पॉपुलेशन के आधार पर कितना करना है? 60%। और 7.5% के दो कैटेगरी और तय किया, और इसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक सिस्टम आपका कितना है, समझ रहे ना? डेमोक्रेसी को कितना परसेंट आप कंटेन करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज राज्य में कितना है, लोगों को भय मुक्त वातावरण मिलता है, लोग निष्पक्षता से वोटिंग करते हैं, सरकार पक्षपात नहीं करती है, तो आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल वैल्यू पर 7.5%। और एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या कहा बोलो? एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासन कितना बढ़िया है आपका, लॉ एंड ऑर्डर आप कितना मेंटेन करते हैं, कितना इम्पार्शियल बिना भेदभाव के शासन करते हैं। तो कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू के आधार पर 7.5%, पॉलिटिकल वैल्यू के आधार पर 7.5%, पर कैपिटा इनकम के बेस पर 25% और पॉपुलेशन के बेस पर 60%। आपको क्या करना है? बांटना है। अब इसमें किसी का मन मर्जी नहीं चलेगा। जिस राज्य का जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से राज्य का, केंद्र का 60% धन बट जाएगा। 25% जो केंद्र सरकार अनुदान दे रही है उसका बंटवारा किस आधार पर होगा? पर कैपिटा इनकम के आधार पर। और 15% का होगा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पर। क्लियर है? तो अब कोशिश क्या कर रहा हूं समझाने का कि हमने तीन फीचर चेक किया इंडिया में, तीनों मिला। डबल गवर्नमेंट इंडिया में है ना? दूसरा क्या कहा? डिवीजन ऑफ पावर है, शेड्यूल 7 में क्लियरली कह दिया गया। उसके बाद क्या कहा? क्या है? डिवीजन ऑफ रिवेन्यू भी है। डिवीजन ऑफ रिवेन्यू में हम देख रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन है, जीएसटी काउंसिल टैक्स कलेक्ट कर रही है और जीएसटी काउंसिल डिसीजन ले रहा है कि इसमें से राज्यों को कितना हिस्सा देना है। वहां डिसीजन लेने का ट्रैक बना हुआ है, मैकेनिज्म बना हुआ है जो केंद्र और राज्य दोनों की सहमति से बना है। तो धन का बंटवारा देख रहे हैं ना, हो रहा है ना दोनों के बीच में। तो हमने धन को भी संविधान में बांट रखा है दो सरकारों के बीच, और हमने पावर को भी बांट रखा है दोनों के बीच, और रियल सेंस में हमारे पास दोनों गवर्नमेंट काम कर रही है। इसलिए तीन फीचर को हमने इंडिया में चेक किया और ये तीनों फीचर इंडिया में हैं। इसलिए हम मानेंगे कि भारत एक फेडरल सिस्टम वाला देश है, नो प्रॉब्लम। फोर्थ फीचर क्या था बाबू? फोर्थ फीचर क्या था? इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट। इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट को आप ऐसे भी कहो कि सुप्रीम कोर्ट या एपेक्स कोर्ट कह दे तो पूरा वर्ल्ड आ जाएगा। एपेक्स कोर्ट एक्ट, क्या एक्ट एज
एम्पायर। क्रिकेट के मैच में एम्पायर का भूमिका क्या है? जो डिसीजन वो मैदान में ले लेगा उसको हर खिलाड़ी को एक्सेप्ट करना है। यहां भी जो एपेक्स कोर्ट है, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हर देश में उसका नाम अलग हो सकता है, हर देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो डिसीजन लेगा उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मानेंगे। क्या ये हमारे देश में है? है कि नहीं है? हमारे देश में हम देख रहे हैं डे बाई डे लाइफ में कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद हो जाता है और उस विवाद का हल सुप्रीम कोर्ट देता है और सुप्रीम कोर्ट जो हल दे देता है उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मान लेती हैं और इस तरह से कोई विवाद आता भी है तो उसका हम समाधान ढूंढ लेते हैं। तो इस फोर्थ फीचर के आधार पर भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इंडिया फेडरल सिस्टम वाला देश है। फोर्थ फीचर में हमने क्या देखा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट नेचर का होता है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मानना ही होता है या वो मानते हैं। हमने देखा है कि हमारे देश में अक्सर ऐसे विवाद आए हैं और उन विवादों पर केंद्र सरकार ने जो निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय को राज्य सरकार भी मानती है और केंद्र सरकार भी मानती है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत क्या है एक फेडरल सिस्टम वाला देश है। क्लियर है? उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूं कि लैंग्वेज को लेके भी आप समझ सकते हैं कि भारत फेडरल सिस्टम को एडॉप्ट करता है कि नहीं करता है। जैसे हमारे यहाँ लैंग्वेज के मसले पर यदि मैं बात करूँ तो लैंग्वेज को डील किया गया है एनेक्सर 8 में। कहाँ? एनेक्सर 8 में। और एनेक्सर 8 क्या कहता है कि भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, मतलब कोई ऐसी भाषा नहीं है जो सारे भारत के लोग जानते समझते हैं, इसलिए हम किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं मानेंगे। समझ में आ रही बात? नहीं, फिर से समझो, कोशिश करो। नहीं समझते हो, अस्तर कहते हो, हमको पता चलता है। क्या कह रहे हैं बात, फिर से समझो कि इंडिया फेडरल सिस्टम है कि नहीं। तो फेडरल सिस्टम के जो मानक हैं उस पर तो हमने देखा कि इंडिया में डबल गवर्नमेंट है। उसके बाद हमने क्या देखा कि इंडिया में पावर का डिवीजन है सेंट्रल और स्टेट के बीच और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित रूप से बांटा हुआ है। क्लियर? तीसरा क्या देखा, पावर का भी डिवीजन है और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, फाइनेंस कमीशन के रूप में, वित्त आयोग के रूप में हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? बोलो। चौथा फीचर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एम्पायर की भूमिका में होता है, ये भी हम देख रहे हैं कि इंडिया में है। क्लियर है? है ना? तो लैंग्वेज में आते हैं, उसके पहले वो सोचा लास्ट जो फीचर था वो देख लो कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय अ सिंगल गवर्नमेंट। कोई एकल सरकार, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार, संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो हम भी जानते हैं कि हमारे जो संविधान में अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 368 में है। किसमें है अमेंडमेंट का प्रोसेस? कहां है? आर्टिकल 368 में है। और आर्टिकल 368 में लिखा है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज लाने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार काफी नहीं होगा, आधे से अधिक राज्यों के द्वारा भी ऐसे अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करना जरूरी होगा। क्लियर है? तो हमारे संविधान में कोई भी चेंज केंद्र सरकार अकेले नहीं कर सकती, कोई चेंज उनको करना होगा जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, देश के मूल संवैधानिक भावना से जुड़ा हुआ है। ऐसे छोटे मोटे परिवर्तन केंद्र सरकार कर सकती है, करने का मतलब ये है, बात समझ रहे हो ना, किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य का विभाजन करना है या कोई छोटे मोटे निर्णय लेना है, केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन कर सकती है, बात समझ रहे हो ना। लेकिन कोई बड़ा इशू है
जिसका संविधान से, लोकतंत्र से, डेमोक्रेसी से, जनता के अधिकार से या राष्ट्रीय हित से सीधा संबंध जुड़ रहा है, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई भी परिवर्तन हमारे संविधान में सिर्फ केंद्र सरकार नहीं कर सकती। ऐसे परिवर्तन करने वाले अमेंडमेंट को आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा भी पास कराना जरूरी होगा। जैसे मैं जानकारी के लिए तुमको अब भी बताऊं कि ये जो हमने अभी बात करी किसकी, जीएसटी, तो जीएसटी को लेके भारत तैयार हुआ 2018 में, समझ रहे हो, 2018 के पहले तो इंडिया में जीएसटी नहीं था, ये 2018 में आया ना, तो 2018 के पहले क्या था कि राज्य सरकारें अलग टैक्स वसूलती थी और केंद्र सरकार अलग टैक्स वसूलती थी, जैसे सेल टैक्स, ध्यान देना, नोट करो, सेल टैक्स और रजिस्ट्रेशन, यहां देखो, सेल टैक्स, रजिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चरल इनकम, क्या कह रहा हूं, एग्रीकल्चरल इनकम, और इधर लिखो कॉरपोरेशन, क्या कहा, कॉरपोरेशन टैक्स, और कहो इनकम टैक्स, और कहो एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स, बताओ बाबू। 2018 में जब जीएसटी नहीं था तो रजिस्ट्रेशन शुल्क कौन लेती थी, राज्य सरकार, निबंधन शुल्क, समझते हो निबंधन शुल्क मतलब, yes. कैसे, क्या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का शुल्क, कोई संपत्ति तुम्हारे नाम से करने का शुल्क, मान लो मैंने एक मकान बेचा 2 करोड़ का, तो मकान बबलू राम ने खरीदा, तो वो मकान पहले तो सरकार के रजिस्टर में सर्टिफिकेट में मेरे नाम से था, अब वो किसके नाम से होगा, बबलू राम के नाम से, कौन करेगा, बिहार सरकार करेगी, जमीन का मालिक कौन है, बिहार सरकार, तो बिहार सरकार के ऑफिस में हम जाएंगे कि भाई हम जमीन बेच रहा हूं, ये जमीन अब इनके नाम से होगा, तो वहां उनको बबलू राम को सरकार कहेगी कि जमीन कितने में खरीदा, 2 करोड़ में, तो रजिस्ट्रेशन शुल्क है 10%, तो कहा 20 लाख रुपया दो, तो 20 लाख रुपया बिहार सरकार को मिलेगा, तब जाके बिहार सरकार वो जमीन मेरे नाम से उनके नाम में करेगी। हेलो, बी कॉन्शियस, बात समझे, निबंधन शुल्क का मतलब क्या हुआ, क्यों ना, दो मिनट सुन लो, हम अभी रिकॉल करेंगे तो फिर वहां फंसोगे। पहली बात क्या कहा, टैक्स के मामले में, कि 2018 में ना जीएसटी आया, अरे 2018 के पहले क्या व्यवस्था थी हमारे यहां, टैक्स बटा हुआ था, ये संविधान में ही विभिन्न आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि भाई सेल टैक्स कौन लगाएगी, राज्य सरकार, सेल टैक्स का इनकम किसका होगा, राज्य सरकार का, रजिस्ट्रेशन शुल्क कौन लेगी, राज्य सरकार, क्लियर है ना, और ये एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स कौन लगाएगी, राज्य सरकार, बोलते रहो बाबू, रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब क्या हुआ, कहां खोए हो, रिवेन्यू का मतलब हुआ भूमिकर, रिवेन्यू का मतलब भूमिकर, अपडेट रहो, रिवेन्यू का मतलब जमीन पर खेती करें तो उसका टैक्स देते हैं, किसी भी तरह से जमीन का उपयोग करें, जमीन के मालिक हम ही हैं, फिर भी उस पर टैक्स देते हैं ना, तो ये रिवेन्यू, भूमि कर, कृषि कर, ये कौन ले रहा है, राज्य सरकार, एग्रीकल्चरल इनकम, किसी के पास जमीन बहुत ज्यादा है, उसमें वो व्यवसायिक खेती कर रहा है, तो उस इनकम पर टैक्स कौन ले रहा है, राज्य सरकार, रजिस्ट्रेशन शुल्क, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का निबंधन का जो शुल्क है, ये कौन ले रहा है, राज्य सरकार, सेल टैक्स कौन लेती थी, राज्य सरकार, उसी तरह से कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स का मतलब निगम कर, निगम कर माने कैसा टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है, इससे बड़ा इनकम का स्रोत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा नहीं है। यह हुआ कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, नारायण मूर्ति हैं, उनका जो सालाना इनकम है, कंपनी का जो प्रॉफिट है, उस पर जो टैक्स लग रहा है,
उसी को कहते हैं कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर। तो निगम कर का मतलब क्या है कि ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं उनका करोड़ों अरबों का फायदा है, उस फायदा पर जो टैक्स लगता है वो कौन लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन टैक्स उसको कहते हैं। क्लियर है? और ये है इनकम टैक्स, व्यक्तिगत रूप से जो हमको इनकम हो रहा है आयकर, ये कौन लगा रहा है? रेदर देन एग्रीकल्चर, अगर खेती से आय हो रहा है तो उस पर टैक्स कौन ले रहा है? राज्य सरकार। और दूसरा इनकम है, सर्विस से इनकम है, इंडस्ट्री से इनकम है, तो उस पर कौन ले रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पहले से ही व्यवस्था था ना, तो टैक्स हमारे यहाँ पहले से भी बटा हुआ था। अब जीएसटी काउंसिल बना है, कहा कि छोड़ो दो दो अथॉरिटी क्यों वसूल रहे हो इतना सारा टैक्स, सबको मिला के 30% हुआ, एक ही बार हम 30% टैक्स ले लेंगे, अलग अलग लेने का जरूरत नहीं है। तो कहा 30 रुपया तुम ले लोगे या 30 तुम हड़प जाओगे, कहा कि नहीं ऐसा बात नहीं है, वहाँ एक काउंसिल बनेगा जिसमें स्टेट के भी प्रतिनिधि रहेंगे और हम स्टेट के साथ उसको शेयर करेंगे। कि आप मान लो कि 30 पैसा कुल आया टैक्स का, पहले आप अपना हिसाब दो कि आपको 12 पैसा आता था तो 12 पैसा हम आपको देंगे, इसकी गारंटी है कि हम जीएसटी आने के बाद आपको 12 से ज़्यादा देंगे, 12 से कम। अभी तुम इनकम कितना कर रहे हो? 12 यूनिट इनकम कर रहे हो राज्य सरकार, किससे? टैक्स से। तुम अपना टैक्स का काम छोड़ दो, सारा टैक्स कौन लेंगे? जीएसटी वाले लेंगे, जीएसटी काउंसिल वाले लेंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कलेक्ट करेंगे, समझ रहे हो ना? और उसमें से वो आपका हिस्सा बांट देंगे, बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को सुविधा हो जाएगी कि वो एक ही बार में एक ही जगह अपना टैक्स का काम निपटा लिया, अब उसको 15 जगह जाके सब तरह के टैक्स को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर्स को सुविधा होगी, विदेशी उद्योगपति ज्यादा आएंगे, हम बताएंगे कि दुनिया में हमने ऐसा सुधार कर दिया है तो लोग ज्यादा आकर्षित होंगे, हमारे यहां निवेश ज्यादा होगा। क्लियर है? तो अब जीएसटी लाया, तो जीएसटी में भी क्या है, प्रावधान बना हुआ है कि हाँ मनमानी नहीं होगी, टैक्स से जो इनकम होगा उसका एक निश्चित हिस्सा राज्य को मिलेगा, क्लियर है ना, और एक निश्चित हिस्सा केंद्र के पास होगा। केंद्र भी अपना पैसा आखिर कहां खर्च करेगी भाई? इंडिया में ना खर्च करेगी। अब वो इंडिया में खर्च करोगे तो इंडिया के अंदर कोई राज्य में जाएगा? अब कहा कि तुम मनमानी कर दोगे, तुम्हारा अपना मनपसंद का जहां सरकार रहेगा वहां ज्यादा पैसा दे दोगे। क्लियर है ना? एक तो पहले पैसा ही बांट दिया, ध्यान से समझना, कि जो टोटल इनकम हुआ उसमें राज्य का हिस्सा दे दिया, अब केंद्र का हिस्सा केंद्र के पास रह गया, तो केंद्र अपना हिस्सा आखिर कहां खर्च करेगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में ही ना? तो भारत में कहेगा ना कि हम सब पंजाबी में लगाएंगे पैसा अपना, ऐसा नहीं ना होगा। उसके लिए फिर क्या देखा कि फिनेंस कमीशन है, फिनेंस कमीशन है, फिनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेगी कि ठीक है राज्य का तो हिस्सा जो था वो दे दिया तुमने, अब राज्य सरकार अपना जैसे चाहे उसको खर्च करे, अब बाकी जो आपका पैसा बचा वो आप जो खर्च करिएगा उसमें भी हम हिसाब किताब रखेंगे कि आप किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं कर सकते हैं। उसने नियम बना दिया कि 3 स्पेशल राज्य है, तीनों स्पेशल राज्य को पहले भरपूर मदद कर दीजिए, और ये तीनों को मदद करने के बाद जो धन बचता है उसका 60% कैसे बटेगा? पॉपुलेशन के बेस पर, 25% पर कैपिटा इनकम के बेस पर, 7.5% डेमोक्रेटिक वैल्यू के आधार पर, और 7.5% एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू के आधार पर। तब यहां मनमानी नहीं है, मनमानी तो हमारे यहां धन का स्रोत भी बटा हुआ है, पावर शक्ति जुरिडिक्शन भी बटा हुआ है, और रियल सेंस में 2-tier गवर्नमेंट है। और क्या देखा कि ये जो जीएसटी आया, तो बड़ा परिवर्तन हमने किया। कैसे किया सर? क्या केंद्र सरकार अकेले जीएसटी ला दी? आधे से अधिक राज्यों ने इसको एक्सेप्ट किया, अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो ये कभी लागू नहीं। तो हम सामने सबूत देख रहे हैं कि हमारे यहां टैक्स के सिस्टम में बदलाव हुआ 18 में, और ये बदलाव तब हुआ जब देश के आधे से अधिक विधानसभा ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर विधानसभाएं एक्सेप्ट नहीं करती तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने से ये चेंज होने वाला नहीं था। क्लियर है ना? तो कितने फीचर देखे थे फेडरल सिस्टम के? चलो बोलो कितने फीचर देखे फेडरल सिस्टम के? एकदम टाइट रहोगे और ऐसे झुकोगे तो क्या है, मेहनत बेकार हो जाता है, सीखते नहीं हो, अब भी रटा के भेजना है। चलो तो हम फेडरल सिस्टम के बारे में क्या बात किया कि फेडरल सिस्टम क्या होता है बाबू? तो इसका पहला फीचर क्या है? 2-tier गवर्नमेंट, 2-tier गवर्नमेंट कह सकते हैं, ड्यूअल गवर्नमेंट।
इंडिया में है कि नहीं है? रियल सेंस में है कि सिर्फ दिखावा है? रियल सेंस में है। कैसा है? रियल सेंस में है। उसके बाद दूसरा क्या कहा? डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर इंडिया में है कि नहीं? डिवीजन ऑफ किसके बीच? हाँ, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर का डिवीजन है। तो ये हमारे यहाँ है ना? कहाँ है? शेड्यूल 7 में, संविधान के शेड्यूल 7 में पावर का डिवीजन किया गया है। नो प्रॉब्लम। अगला क्या है सर? क्या है? डिवीजन ऑफ रेवेन्यू, मतलब इनकम को भी साफ बांट दिया है, क्योंकि यही दो चीज को लेके ज्यादा विवाद होता है। तो रेवेन्यू को भी डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड किया है? सेंट्रल और स्टेट के बीच डिवाइड किया है। सबूत दो, इंडिया में हुआ है कि नहीं? प्रूव इट। हुआ है। कैसे कह रहे हो? क्योंकि हमारे यहाँ जीएसटी काउंसिल बना हुआ है। जीएसटी काउंसिल में क्या है? स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं।